गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको मैथ्स कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, मैथ्स में अभी हमारा रिवीजन ही चल रहा है। ओके, तो हमारा जो रिवीजन लास्ट ईयर जो आपने जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आज हम मैथ्स में करेंगे रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज का नाम दे रखा है 1.5, क्योंकि 1.4 तक तो दे दिया करके 1.5। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10, तो आपको नियरेस्ट 10 बताना है। तो देखिए 75 है हमारा, तो 1 10, तो जब 75 मिड वैल्यू है 70 और 80 के बीच की, तो हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे। तो नियरेस्ट हो गया ये 80 की। ऐसी 152, अभी तो ये 155 तक नहीं पहुंचा, जब 155 से कम होगा तो ये 150 के नियरेस्ट हो गया। ओके, उसके बाद राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, 1000 में बताना है। तो नियरेस्ट किसके, 1, 10, 100, 1000, तो ये किसके नियरेस्ट है आपके, ये 1700 इतना है, 1789, तो ये 1800 के नियरेस्ट हुआ है ना। यानी कि मेन तो 800, 100 बताना है, 1, 10, 100, तो ये 800 के नियरेस्ट हुआ। किसके नियरेस्ट हुआ, 800 के। बाकी तो 1 का 1 रहेगा, 800, यानी उसके बाद नियरेस्ट 1000 में बताना, 1, 10, 100, 1000, तो ये 569 है। तो ये भी हमारा जो है आगे की तरफ हम आ गए हैं, आगे मतलब बढ़ गए हैं। तो ये हमारा किसके नियरेस्ट है, 79,000। एस्टिमेट द फॉलोइंग सम एज इंट्रोड्यूस्ड एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल एडिशन, आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, ठीक है। 75 और 98 कितना होगा करीब आपका, ये 75 और 98 है, तो ये आपका आप प्लस कर लोगे, यानी 8 और 5 कितना हुआ आपका, 8 और 5 हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3। ये एक्चुअल हम पहले निकाल लेते हैं, 3 कैरी बन गया 7, और 9 कितना और 16, 16 में 1, 17, 173 हो गया एक्चुअल। तो ये किसके नियरेस्ट हो रहा है, इससे हमें इजी लगेगा करने में, 173 एक्चुअल हो रहा है आपका, क्योंकि नियरेस्ट 10 बताना है, 180 की है ना। तो इसमें आएगा आपका एस्टिमेट सम 180। ओके, इस तरह से ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको एक्चुअल ये वाला निकालना है, तो ये किसके नियरेस्ट है, इसको पीछे से प्लस करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 5 और 2, 7, तो ये तो बहुत हो गया, ठीक है, 5 और 2, 7 हो गया हमारा। इसके अलावा फिर उसके बाद 1, 7 और 1, 8 हो गया, और 2 और 1, 3 हो गया। माइनस 10 बताना, 87 90, तो ये आपका हो गया करीब 400 के नियरेस्ट। एस्टिमेट जाएगा आपका 400, ठीक, इस तरह से आपको करना, बाकी ये खुद करना है। एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंस, इसमें माइनस करना है। अब पहले इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक्चुअल निकालेंगे। एक्चुअल यानी कि 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7, बचा,
यहाँ रह गया सिक्स, सिक्स में से टू गया तो फोर बच रहा है ना। इसके एक्चुअल हमारा 47 आ गया, और किसके नियरेस्ट है ये 47, 50। एस्टिमेट ओनली 50। ठीक, ओके, ऐसे करना। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।